एचएल टीवी न्यूज। पिछले कई दिनों से प्रशासन और किसानों के बीच कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते पिछले दिनों प्रशासन की ओर से उन पर मुकदमे भी दर्ज किए गए, जिनके विरोध में आज प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी के अध्यक्षता में सैकड़ों किसान व महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। रोहतक में आज भी बिजली मीटर घरों के अंदर है, इसलिए पहले मुख्यमंत्री वहां से मीटर बाहर लगवाना शुरू करें, तब हम इसका विरोध नहीं करेंगे। वहीं मिलके द्वारा रुकी हुई पेमेंट को जल्द से जल्द दिलाने की मांग की और कहा कि अगर अब भी प्रशासन नहीं जगा तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे, पर अपने साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। देखिए, आज की महापंचायत में दो मुद्दे थे। एक मुद्दा था बिजली से संबंधित और मुकदमों से संबंधित। उसमें हमारी एक मांग तो ये थी कि मीटर लगाने बाहर जो निकाल रहे हैं अवैध तरीके से, वो बंद करें, और दो मुकदमे दर्ज कर दिए हैं उसमें, उनको वापस लें। एक मुकदमा तो बिल्कुल एक बदले की भावना से उसमें दायर किया गया है, औरतों के साथ उसमें मारपीट की गई है, औरतों का हमने मेडिकल करवाया है, उसमें चोटें आई हैं, उसकी शिकायत सरकार को की है, उसकी एसपी साहब को भी की है। जिस दिन औरतों का मेडिकल करवाया उसके अगले दिन पुलिस ने उन्हीं औरतों पे मुकदमा दर्ज करवा दिया अपने आप को बचाने के लिए। तो ये दो मुकदमे थे, इनको वापस लेने की मांग थी। और जिन पुलिस वालों ने औरतों से मारपीट की, औरतों से जियाती की, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की बात थी। उस पॉइंट पे हमारा कोई समझौता नहीं हो पाया है। केस वापस जो लेने की बात थी वो एसपी साहब ने अभी तक नहीं मानी है, उसको गोल बात कर रहे थे, जिसको हम वापस चले आए, वहाँ पे हमने कोई फैसले की। हाँ, यमुनानगर से हलचल टीवी के लिए विनोद धीमान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।